होने वाले चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। सबसे बड़ा किसान मुद्दा है बीजेपी के लिए, जो किसान का आंदोलन आप देख रहे हैं, बीजेपी में कोई एक करोड़ नौजवानों को नौकरी, जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत 6,000 मिलते हैं वो 12,000 और 15,000 तक दिलाना। और पार्टी के बहुत पहले से सेवा कर रहा हूँ, पार्टी में जयंत चौधरी के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान के अंदर दूसरे प्रदेशों में भी यूपी ओपनी इस तरह से किसानों में मजदूरों में क्रांति आ रही है, सब आशाएं इसमें दिखलाई देती। जो चौधरी चरण सिंह ने लड़ाई लड़ी थी किसान, उसकी वो जयंत चौधरी लड़ रहे, उन सपनों को साकार करेंगे। चौधरी चरण सिंह की विरासत जो है हमें जयंत में दिखलाई दे रही है। आज जन समूह बढ़ रहा है, सब मुजफ्फरनगर वो जगह थी जहाँ हिंदू मुस्लिम की सब बात थी, केवल चौधरी अजीत सिंह ने जयंत चौधरी ने ही उस चीज़ को ख़त्म किया। और अब आज एक मंच पर हिंदू मुस्लिम गरीब और व्यापारी सब एक मंच पर खड़े हुए हैं, ये सब इतनी बात है। तो इतने और बोलिएगा, क्या क्या वादे हैं जयंत जी चौधरी जी ने किसानों के लिए इस घोषणा पत्र में रखे हैं? ये क्या है कि कोई भी, एक तो बेरोजगारी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है, जो नरेंद्र मोदी ने हमको बहकाकर कि 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, वो जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों को कि नौजवानों को हम जो है 1 करोड़ लोगों की रोजगार देंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है, आज हम जब भी गांव में जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, तो सड़कों पर 50-50, 100-100 लड़के रेस लगाते हुए मिल रहे हैं, लेकिन ना तो भर्ती मिलिट्री की हो रही, ना पीएससी की हो रही, उनकी उम्र निकली जा रही है। हमारे साथ आरएलडी के कुछ और कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये बता रहे हैं मिर्ज़ापुर से आए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? संदीप सिंह। संदीप भाई क्या माहौल है आपके मिर्ज़ापुर? मिर्ज़ापुर में लविंदर भैया का माहौल इस समय बदकाल में बलती जा रही है, हालांकि पिछले दिनों से बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है। पूर्व विधायक किस पार्टी के? बीजेपी। कैसा काम किया उन्होंने? उन्होंने काम यही किया है कि आज तक किसी गांव में किसी पूछे हमारे विधायक कौन है, विधायक को कोई पहचान नहीं सकता है, कोई जानता ही नहीं है विधायक को, कोई जानता ही नहीं है। आपको मालूम है नाम? नाम से परिचित है। अनुराग सिंह। क्या कैसे आपको क्या लग रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी आरएलडी का क्या परफॉर्मेंस होगी? हमको लगता है कि बहुत ही अच्छा रहेगा, अदर पार्टियों की अपेक्षा आधे में भैया लहेंगे लविंदर भैया और आधे में सब लहेंगे। तो किस बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है अभी तक। पिछले चुनाव में एक भी सीट आरएलडी नहीं ले के आ पाई थी, इस बार आपको क्या लग रहा है क्या सीटें आएंगी? अगली बार हमारे यहाँ से आरएलडी को नहीं लली थी, लेकिन इस बार जो लविंदर भैया का माहौल है हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव से, इस समय व्यक्तिगत व्यवहार पर उनके काफ़ी सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। हाँ, आने वाले दिन में उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। भाई से बात करेंगे, मुद्दे क्या रहेंगे आने वाले चुनाव में? पहले हम ये बताना चाहते हैं कि रविंदर भैया के साथ पूरा युवा पीढ़ी है, मिर्ज़ापुर की जितनी युवा पीढ़ी है रविंदर भैया के साथ है। तो आज यहाँ पे हम लोग दिखा भी दिए हैं कि पूरी जनसंख्या जितनी थी, शिखर ब्लॉक मिर्ज़ापुर जिला 398 विधानसभा से हम लोग आए हैं और रविंदर भैया के साथ हम लोग हैं। क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे जिन पे आप कह रहे हैं आरएलडी और सपा बहुत सारी सीटों पे जीतेगी, मुझे ये बताएं बीजेपी क्यों हारेगी आने वाली? किसान मुद्दा सबसे बड़ा किसान मुद्दा है बीजेपी के लिए, जो किसान का आंदोलन आप देख रहे हैं, बीजेपी में कोई सुनवाई नहीं, विकास की बात नहीं करती, बात करती है तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की। और बीजेपी का ये एजेंडा अब नहीं चलने वाला है, आज जयंत चौधरी जी ने जो 22 लोक संकल्प दिए हैं उनको जनता के बीच साझा करेगी आरएलडी की सारी कार्यकर्ताएं, और निश्चित ही हम 2022 में होने वाले चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। और लोग हैं हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल के, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या माहौल आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल का रहेगा। भाई साहब कहाँ, क्या नाम है आपका? रामकृष्ण सिंह पटेल। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। क्या माहौल है प्रयागराज में? देखिए किसान आज देश का परेशान है, प्रयागराज का भी किसान परेशान है, आलू धान और गेहूं मुख्यतः फसल है प्रयागराज की, और ना तो धान का रेट मिल रहा, ना गेहूं का रेट मिल रहा, और ना तो आलू का ही रेट मिल रहा, किसान बुरी तरह से परेशान है। डीजल उर्वरक, आज आलू की रोपाई का समय चल रहा है, आलू बोने का समय है, और ऐसे समय में डीएपी मार्केट से गायब, और जो है भी वो ओवर रेटिंग है,
डीजल पेट्रोल की महंगाई ने किसानों की कमर तोड़ दी है, लिहाजा किसान अब इस सरकार से मुक्ति चाहता है और आने वाला समय राष्ट्रीय लोकदल का समय है और किसान आशा भरी नज़रों से चौधरी चरण सिंह की पार्टी, चौधरी चरण सिंह के विचारों आदर्शों पर चलने वाली पार्टी और किसान आंदोलन में भरपूर समर्थन और सहयोग देने वाले नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी की ओर किसान आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं कि एकजुट होकर के जाति धर्म से ऊपर उठ के किसान एकजुट होकर माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की एक भी सीटें नहीं आई थी, आपको क्या लगता है युवा नेतृत्व के बाद इस पार्टी में जयंत चौधरी ने कितनी जान फूकी है, आने वाले चुनाव में उनका परफॉर्मेंस क्या रहेगा? देखिए पिछली बार भाजपा ने जो वादे किए किसानों के साथ कि लागत का 1.5 गुना देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, उनके सभी वादे खोखले साबित हुए, किसान छला गया, इससे किसान त्रस्त हो गया और अब किसान कितनी सीटें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में आरएलडी पार्टी? देखिए आरएलडी अधिक से अधिक सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगी, किंग मेकर का काम करेंगे, किंग मेकर भी हो सकते हैं और किंग भी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और लोगों से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुरेश सिंह यादव है, मैं देवरिया से हूँ। क्या देवरिया से क्या बताना चाहेंगे, क्या है आपके क्षेत्र में, क्या माहौल चल रहा है? देवरिया में राष्ट्रीय लोकदल और सपा अलायंस की ही सारी सीटें निकलेंगी। अच्छा, बाकी वहाँ सब साफ हो जाएंगे। क्यों, क्या मुद्दे हैं ऐसे कि लोग इतना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं जिस तरह बीजेपी की पिछले चुनाव में जो माहौल था, इस चुनाव में आप कह रहे हैं कि सारी सीटें आरएलडी और सपा की आएगी, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से आप ऐसे? जैसे इन्होंने का वादा किया था कि हम किसानों की आय दूना करेंगे, तो दूना करने के बजाय इन्होंने डीएपी खाद में ही कमी लाना शुरू कर दिया, सारे चीजों का भाव दूना कर दिया, महंगाई चरम सीमा पे चली गई। इन्होंने कहा रोजगार देंगे, रोजगार देने के बजाय इन्होंने रोजगार छीन लिया। इन्होंने जो हमारा गेहूं 2000 के ऊपर बिकने का वादा ये कर रहे हैं, पीछे जो है जो एमएसपी था एमएसपी से कम 1500-1600 रुपए पर ही गेहूं की खरीदारी हुई, अब इस समय धान की खरीदारी हो रही है, धान की खरीदारी भी 1400-1500 रुपए का भाव चल रहा है जबकि 1975 का भाव इनका है, इसलिए ये बिल्कुल फ्रॉड घोषित हो रहे हैं, हर मोर्चे पर फ्रॉड घोषित हो रहे हैं और जनता इनसे अब उब गई है, इनसे निजात पाना चाहती है, मात्र ये हिंदू मुसलमान करके वोट लेना चाहते हैं और इनके बातों पर अब जनता यकीन करने वाली हमारे देवरिया जिले की नहीं है। बहुत बड़ी एक महिला कार्यकर्ता भी है हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। नाम? मैं संगीता दौरे, मेरठ से हूँ, क्षेत्रीय महासचिव हूँ हस्तनापुर क्षेत्र। क्या है आपके क्षेत्र में माहौल आरएलडी का और बाकी पार्टियों का? 100% हमारी तरफ तो आरएलडी है, क्योंकि किसान हो, किसान की कोई जाति धर्म तो है नहीं है और किसान सबसे ज़्यादा इस टाइम परेशान है और पूरी तरह से एक एक, अगर किसान की बात करें, युवा की बात करें, महिलाओं की बात करें तो वो, और छात्रों की बात करें, वो सब आरएलडी से जुड़ा हुआ है पूरी तरह से। जिस तरह योगी जी बता रहे हैं 4 लाख नौकरियां दी हैं इन्होंने 5 साल की सरकार में, कितना इन्होंने अपना वादा पूरा किया है, इसमें आप कितनी सच्चाई लगती है आपको इस दावे? सच्चाई है कहाँ, आप ऐसे ऑन पेपर करने से होता क्या है, और कितना परसेंट निकला है जितना वादा किया था ये देखिए आप, किसी किस किस घर में किस किस बच्चे को नौकरी मिली, किसी को नहीं मिली है। सिर्फ आपके हिसाब से ऊपर ऊपर काम हुए हैं और जनता इस परफॉर्मेंस के बलबूते पर बदलाव लाएगी? ऑन पेपर की तो मैं अभी आपको बता दूं, अभी जो वैक्सीन लगा है ये तो अभी का है, वैक्सीन अगर लगवाया है तो सरकार का ये धर्म था, कर्तव्य था, वैक्सीन लगवा के आप कॉल कीजिए किसी को, ये एहसान किया है कि पब्लिक के ऊपर, सबको लगा, उन्हीं के पैसे से उन्हीं को लगा रहे हैं उसके, और बेवकूफ भी बना रहे हैं क्योंकि मास्क भी लगाना, सब कुछ करना, सारे काम करने, फिर वैक्सीन किस काम की, बेवकूफ बनाने वाले काम तो कर रहे हैं, तो इनके साथ कैसे होगा? 2022 में जवाब दिया जाएगा और जवाब राष्ट्रीय लोकदल देगा सरकार बना के।